आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी से अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपके फोलियो में, आपके पोर्टफोलियो में ये फंड्स जरूर होना चाहिए। तो इसी का डिटेल्स में देखेंगे कौन सा ऐसा फंड्स है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और उसका क्या फायदा है, क्यों होना चाहिए, इस सारी डिटेल्स हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा फोलियो और क्यों होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बिहेवियर है अप एंड डाउन चलना, यानी ऊपर नीचे चलते रहना शेयर मार्केट का बिहेवियर है। और हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं कि हमें एक लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छा मिले, क्योंकि मार्केट को हमेशा शॉर्ट टर्म में तो नीचे हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर रहता है। लेकिन ये चीजें सभी लोग समझते हुए भी इन चीजों पे लॉन्ग टर्म फोकस नहीं कर पाते। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि 20 साल से कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो कि अपना फोलियो स्टार्ट करके और 20 साल तक 1,000 रुपये की एसआईपी कंटिन्यू किया है। ये आदमी की ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो थोड़े मोड़े चेंजेस पे अपना पैसा निकाल लेता है, भाग जाता है, उसको कहता है कि म्यूचुअल फंड्स बेकार है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले एरिया पे क्या हुआ था, शेयर मार्केट में बहुत सा चेंजेस आए थे। ये वाला कोरोना का एरिया है, ठीक है, तो सबने पैसे निकाल लिए। उसी तरह से ऐसे जो एरिया आया, यहाँ पर पैसे निकाले, ठीक है, यहाँ पर पैसे निकाले। तो इस टाइप से क्या होता है, जैसे छोटे छोटे जो डाउनफॉल आते हैं वहां पर लोग पैसे निकालने शुरू कर देते हैं और डर के भाग जाते हैं कि म्यूचुअल फंड्स तो बेकार है और ये तो डूब जाएगा। तो इसी को कैसे आप होल्ड कर पाए ऐसे समय में, उसके लिए कंपेरिजन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए मैं उसी को दिखाता हूं कि हमें अगर कौन सा फंड्स हमारे पास रहता, तो चाहे मार्केट यहां से लेकर, ये देखिए ये वाला एरिया से लेकर और इस एरिया तक, अगर आप देखें 18 से लेकर और यहाँ पर 20 तक, 2 साल में मार्केट ऑलमोस्ट इसी के पास रहा, कहीं पे नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को भी अपना अच्छा खासा रिटर्न्स नहीं मिला। लेकिन ऐसे जगह पर भी कौन सा ऐसा फंड होता जो आपको रिटर्न ही रिटर्न देता, तो उसके सारी डिटेल्स में अभी आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूं और हम उसको देखते हैं। इसमें मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने डेट डाला हुआ है 18 अक्टूबर 2021 से लेकर, आपको देखेंगे 18 अक्टूबर 2021 से लेकर 5 दिसंबर 2022 तक का। ये डेट मैंने भी वहीं से उठाया है आपके चार्ट से। अगर आप चार्ट पर देखेंगे ये वाला एरिया जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मैंने डेट उठाया है। मार्केट यहाँ से नीचे भी आया, ठीक है, अब नीचे आने के बाद फिर ऊपर आया, यानी जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था वहीं पे मार्केट रहा। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस जगह पर क्या हो रहा है। वैसे ही अगर यहां से मार्केट स्टार्ट होकर यहां पर आया और फिर यहां पर, तो इस जगह पे क्या हुआ, या फिर यहां से लेके और यहां तक रहता तो क्या होता। तो ऐसे सिनेरियो में मैंने यहां से स्टार्ट किया है कि 18 अक्टूबर जो है 2021 से लेकर और ये जो आपका एरिया है 22 तक का एरिया मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने की कोशिश किया है, और उसमें आपको फंड्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है हमारे इस फंड्स के, और उसमें कौन सा फंड्स होता तो बेटर होता और क्यों बेटर होता। तो इसी में सबसे पहले हमने एक कंपेरिजन किया। पहला मैंने निकाला कि चलो, क्योंकि इस समय मार्केट बहुत अपर है तो यहाँ पर स्मॉल कैप लोग बहुत सोच रहे हैं कि स्मॉल कैप बहुत रिटर्न दे रहा है, हमें जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर है तो मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, तो वहां पर आपके रिटर्न्स होंगे। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशंस होता जहां पर मार्केट गिरा होता, तो सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर्स या सबसे ज्यादा गिरने वाले म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप या मिड कैप होते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में कौन सा फंड ऐसा है जो होना चाहिए, उसी के कंपेरिजन में अगर आप देखें तो यहां पर दिखा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड्स। अगर हमने सेम टाइम पे लिया होता फंड्स तो हमारे को एनुअल 4.25% 4.41% का रिटर्न देता। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया 18 अक्टूबर 2021 को और 5/12/2022 को बेचने जा रहा है, क्योंकि मार्केट रिकवर कर गया था कि नीचे गया होता स्मॉल कैप में, तो आपका नेगेटिव में मार्केट दिखता, पैसा आपका बहुत डाउन दिखता, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो आप उस मार्केट में घबराए नहीं, और 1 साल के बाद आप उसको निकालने जा रहे हैं या दिसंबर में वहीं पर आकर वो रुक गया तो आप निकालने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको 4% का रिटर्न्स मिल रहा है 1,05,000 रुपये। उसी तरह से अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट किया होता आपने, तो वहां पर आप देखें तो ये और भी कम, 2.25
2.28% का रिटर्न्स आपको मिलता है। उसी तरह से अगर आपने मिड कैप स्मॉल कैप छोड़कर अगर आपने कोई और फंड चूज किया होता जैसे ब्लू चिप, थोड़ा सा सेफ फंड्स है उससे भी ज्यादा, तो यहां पर 4.87 का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने तीन चीजें देखी, पहला 4.41 जो स्मॉल कैप ने दिया, मिड कैप ने दिया 2.28 और ब्लू चिप ने दिया आपको 4.4, यानी सारे आपके 5% से नीचे रिटर्न्स ही रहे। लेकिन आप ये एक फंड्स ध्यान से दीजिए, देखिए इसका नाम है इक्विटी एंड डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस कैटेगरी के फंड्स। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो में अगर बैलेंस कैटेगरी का फंड्स होता तो उसी सिनेरियो में आप देखेंगे 8.44 का रिटर्न्स दिया, यानी मार्केट गिरा ऊपर आया तब भी आपके फंड्स को सिक्योर किया और रिटर्न्स भी बना कर दिया। तो अगर हम ऐसे अपने पोर्टफोलियो में कोई भी हाइब्रिड फंड्स रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने फंड्स को सेफ तो कर रहे हैं उसके साथ रिटर्न भी जनरेट कर रहे हैं। तो इसी को हम थोड़ा सा और लाइव करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा फंड्स यहाँ पर क्या डेट है, यह है 22 जनवरी 2018 से लेकर आप रख रहे हैं 20 जनवरी 2020 के बीच में। ठीक है, हम स्मॉल कैप के पास चले जाते हैं और स्मॉल कैप में हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है आपके इसी फंड्स में। जैसे हम यहां पर टाइप कर लेते हैं, आप देख रहे हैं ये स्मॉल कैप फंड्स है, आप कोई भी फंड्स को चेक कर सकते हैं। हम उसका कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने कोई फंड्स रखा है और उसमें 1,00,000 रुपया रखा है और हमारा जो टाइम होराइजन था उस टाइम होराइजन को हम देख लेते हैं। यहां से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से करने की कोशिश कर रहे हैं, यह 22 जनवरी 2018 और यहां पर हाई लगाया हुआ है आपको 13 जनवरी 2020। अगर यहां पर तो कोई रुका ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर यहां पर देखना चाहें तो हम यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं 30 मार्च 2020। ठीक है, यहां पर हमारा 22 जनवरी और 30 मार्च 2020। ठीक है, याद रखिए। तो हम यहां पर कर देते हैं 22 जनवरी 2018 और यहां पर कर देते हैं 30 मार्च 2020। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे आपका रिटर्न्स क्या है, -23% एनुअलाइज रिटर्न, यानी अगर आपने 1,00,000 रुपया लगाया था तो आपकी वैल्यू क्या हो गई है यहां पर डाउन हो गई है, 43,000 रुपीज कम हो गया है। ठीक है, ये कौन सा फंड है, ये है आपका स्मॉल कैप। तो यहां पर आपने 22 जनवरी 2018 से और 2020 के बीच में अगर आपने लगाया तो आपका पैसा कितना बचा, 1,56,000 रुपये बचा। ठीक है, अब हम इसी को कर लेते हैं ICICI इक्विटी एंड डेट फंड्स। ठीक है, तो इक्विटी एंड डेट फंड्स में देखते हैं कि सेम सिनेरियो में सेम मार्केट कंडीशंस में हमारा क्या रिटर्न्स रहता है और क्या होता है उसके रिटर्न्स की कैलकुलेशन। वैसे तो आप समझ गए हैं कि मेरा कंसेप्ट क्या है और कौन सा फंड्स आपके पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, अगर क्या कंडीशंस होता तो क्या होता। बाईस जनवरी 2018 से क्या डेट था, 30 मार्च 2020, राइट, सेम अमाउंट 1,00,000 रुपये ही लगाया। तो वहां पर आपने देखा 1,00,000 रुपये कितना हो गया था, 55,000 या 56,000 हो गया था और यही 1,00,000 रुपये में आपको डाउनफॉल आया, लेकिन कितना आया, उतना नहीं जितना पहले आया था। तो यहां पर आपके फंड्स को सेफ भी किया। ठीक है, आप एक ही बार 50% डाउन तो नहीं हुए, यहां पर 22,000 का डाउन हुआ, लेकिन ये रिकवर करता तो आपको बहुत जल्दी फायदा देता। जैसे कि अगर आप बात करें इसी को, अगर हम 23 कर देते हैं तो आप देखेंगे ये रिटर्न्स आपको कितना हो जाएगा, सीधे के सीधे वो आपका 78,000 का अमाउंट वहां पर बढ़ जा रहा है, लेकिन वही चीजें उसमें नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो में
एक ऐसा फंड्स जरूर होना चाहिए जिसका नाम है हाइब्रिड कैटेगरी का फंड्स, जो आपको जब मार्केट करेक्शंस होता है वहां पर भी आपको सेफ रखता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वहां पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करके आपकी पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपने कंसेप्ट समझ लिया है और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाएंगे। ये समय है आपके पोर्टफोलियो को सेफ और सिक्योर करने का। सो कैसा लगा वीडियो, जरूर आप कमेंट करके बताइए, आप अपना सुझाव दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।